हाय, आई एम निजा रियाज। वेलकम टू ग्रेट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में, जिसमें हमने देखा कि सवी और रजत दोनों जो हैं गए हैं शादी करने के लिए और चाहते हैं कि जल्द से उनकी शादी हो जाए और वो अपना प्यार, मतलब ये कि साई की बात कर रहे होते हैं, उसके लिए शादी करने आए हैं, पर वो तैयार ही नहीं होते शादी कराने के लिए। और उन्हें लगता है कि कहीं साई की जो कस्टडी उनको मिलनी है वो कहीं ना उन्हें मिले, तो ये थोड़ा सा उनको जो है परेशानी होती है ये बात को लेके। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी, तो भाई दोनों को शादी करनी है साई के लिए, उनकी कस्टडी के लिए। और जिसमें एक छोटा सा मोमेंट आया था जहाँ दोनों बोलते हैं हम अपने प्यार के लिए कर रहे हैं और वो प्यार साई है एक्चुअली, तो उसके लिए होता है। तो क्या बोलोगे आप? ये बात तो छुपी नहीं है कि ये है मोहब्बत को फॉलो कर रहे हैं, तो वी हैव सीन दिस ट्रैक कि जहां पे ये दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंच जाते हैं। बट आई एम लाइकिंग द फैक्ट दैट इवन दो इट इज बीइंग कॉपीड फ्रॉम एन अदर शो, दे आर एडिंग देयर ओन फ्लेवर टू इट। तो एक्चुअली में थोड़ा बहुत आप अगर उस चीज को साइड में रखेंगे कि ये किसी शो का कॉपी है तो आप एंजॉय कर पाते हो, दे हैव देयर ओन एडिशन टू इट, चाहे रजत का कैरेक्टर हो, सवी हो, जिस तरीके से वो उनकी जो एक डायनामिक है, उनकी जो एक केमिस्ट्री है, वाकई में इट्स क्वाइट नाइस। तो यहाँ पे भी जिस तरीके से वो रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाते हैं कि इनको शादी करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दे आर डूइंग इट फॉर साई, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर देमसेल्फ, सो दे डोंट वांट द होल तामझाम, पूरा शोर शराबा वाला बिग फैट इंडियन वेडिंग, दे जस्ट डोंट वांट इट। उनको जल्दी से काम निपटाना है और दे वांट टू गेट रेडी बिफोर द कस्टडी कि हाँ हम लोग पति पत्नी है। बट ऑब्वियसली द रजिस्ट्रार इज नॉट गोइंग टू अलाउ सच थिंग्स टू हैपन, ऐसा होता भी नहीं है। आपके एक प्रोसीजर होता है, थिंग्स हैज टू गो अकॉर्डिंग टू द लॉ, और वहां पे वो उनको मना ही कर देता है। और जिस तरीके से उनका एक गिव एंड टेक था ना, मैंने बहुत एंजॉय किया। आई रियली थॉट इट वाज क्वाइट नाइस रजत और सवी के बीच। जैसे आपने कहा वो मोमेंट भी बहुत क्यूट था कि एक मिनट के लिए वो बोल देते हैं कि हम अपने प्यार के लिए, बट बेसिकली देयर मीनिंग सही। तो वो जो एक हिचकिचाहट है, छोटा सा मोमेंट जो था वो बहुत ही क्यूट था। एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रैक, क्योंकि शादी होती ही है उसी के लिए, साई की कस्टडी के लिए ही ये सारा चीज होता है। सो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम हियर। मजा तो आ रहा है, दे आर एडिंग देयर ओन फ्लेवर टू द ट्रैक, सो लेट्स सी क्या होने वाला है। बिल्कुल, देखने में मजा ही आएगा। और जहाँ तक अगर हम ये है मोहब्बतें की बात करते हैं, तो रमन का करेक्टर एक अलग था, उनके वन लाइनर्स एंड ऑल बहुत ज्यादा ऐसे रहते थे, और उन दोनों की एक फाइट का अलग मजा था। और यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा अलग होगा, लेकिन आप आइडियाज तो कॉपी करते ही हैं कि कहीं ना कहीं से, तो उसमें तो नहीं है, लेकिन हाँ अपना ओन फ्लेवर हो तो फिर अच्छा लगता है। तो एनीवेज देखते हैं क्या होता है, कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये इन दोनों की शादी का ट्रैक। और अगर आपको हमारा ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें गुम है किसी के प्यार में ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। हाय, दिस इज आकाश आहूजा एंड दिस इज निहारिका चौकसी एंड यू वाचिंग अस ऑन ग्लिट्स विजन यूएस ए।